अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने टिंडी की फसल काश्त की थी, जिसकी पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, तरीका काश्त भी शेयर किया था, लेकिन बदकिस्मती से और मौसम की ख़राबी की वजह से, मौसम गर्म रह जाने की वजह से हमारा काफ़ी सारा लॉस हो गया है, नुकसान हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टिंडी की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। 2 माह तक लगातार खर्चे किए गए, स्प्रे लगाई गई, खाद लगाई गई, बीज लगाया गया, पानी लगाया गया, मेहनत की गई, सब कुछ ज़ाया हो गया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा इतना नुकसान क्यों हुआ है, हमारा कितना रकबा था जो कि मुकम्मल तौर पर 2 महीने की मेहनत के बाद तबाह हो गया है। सब्ज़ियाँ लगाना और सब्ज़ियों को पाए तक मील तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है, इस बात का अंदाज़ा आपको आज की इस वीडियो से लग जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहें। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम मारस भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भाई तुसी सुनाओ जी। शुक्र अल्लाह इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत। पहले तो खालिद भाई, ये जड़ा है मुनाफा नुकसान, ये कुदरती है, हर बंदे जिंदगी चमदा रहा किसी ना किसी सूरत। अच्छा खालिद भाई, आप टिंडी की फसल काश्त की है, दोस्तों ने शेयर की, दोस्तों ने बड़ा पसंद भी किया, कुछ दोस्तों बड़ा कुछ मिले अपने उस वीडियो तो, तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि अपनी जी टिंडी की फसल है वो नहीं रही, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, वायरस पै गई है, बीमारी लग गई है, जो भी वजह लगी है वो सानू अच्छा दसना है। साढ़े दोस्तों शेयर करो जो कि सब्जी काश्त करना चाहते हैं या जिन्हें की हुई है, ताकि वो इस नुकसान तो बच सकन जो आप कर बैठे हैं या जो नुकसान अपना हो गया है। आरस भाई, जरा ना सब्जी का फसल जी उसी जी पाले जाने जिम्मे नहीं कंट्रोल शेड बन दे। हाँ जी। बंदे को भट्ठा चलता है, भट्ठा चलाइए तो बंद ने भी 2 गेड़ा के पैसे होवे, फलाक है तो साढ़े को 2 फलाकों के पैसे होवे। बिल्कुल जी, सेम पोजिशन आरस भाई सब्जी की भी आँदी है भी थोड़े को अगर तुम 1 एकड़ काश्त कर रहे हो तो थोड़ी जेब के पिछा 1 एकड़ के होर पैसे पाए हो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सब्जी है इनका भाई जी खत्म होवे लग्या मिंट सेकेंड लगता है, बंदे पता नहीं लगता भी मेरे होया की है। इस तरह ही है, ठीक है ना जी। बिल्कुल, हुण तुसीं आ वेख लो, आपां उदो वीडियो बनाई भी 3 किले आपां लाई टिंडी। बिल्कुल ठीक है ना जी, बी भी टॉप दा लिआंदा, उत्ते खर्चे भी कीते, सारा कुछ कीता। बिल्कुल, लेकिन भाई अल्लाह दी करनी मतलब वो नुकसान हो गया, ठीक है ना। हुण एवें ही है भाई, हुण मुड़ इदू पकड़ तो उदू पकड़ करना ते है, करना ते है, गुजारा भी नहीं हुंदा। बिल्कुल जी, हर रोज नवे फार्मर वास्ते, जिहड़ा फार्मर इस खासकर आ होण वाले साल नवा वड़दा पिआ है, साडे असी जी ही मशुरा दिसा है भी अगर उनके को 2 किले लाने तो मगर उनके को 2 किले जोगे पैसे होवन होने चाहिए, ठीक है ना जी। ए नहीं भी थोड़े को जो कोई लख का तुम बचाया आया कणक ते तिलां तो बाद जी जी ओ हुण थोड़ा नुकसान चला नुकसान चला जावे। हुण खबर आउंदियां पई जी ना जी, मटर भी एडवांस लाए हुए हैं भी वो भी थलू खराब होना शुरू हो गए, मौसम गर्म रहा की शिद्दत बहुत ज्यादा है जी गर्मी की। आरएस भाई उम्मीद बड़ी है जी, आपको पहले बारिश हुई बारिश टेंपरेचर कोई डाउन हो सी जी जी। लेकिन वो डाउन होने की वजह मजीद थोड़ा जहा 1-2 दर्जे ऊपर चला गया, नुकसान जिंदी वजह तो भाई जुलसाओ पे है, वायरस आई है और वायरस ने तबाही फेर छड़ी है। अच्छा खालिद भाई, थानू किस तरह पता लगा कि अपनी फसल बीमारी लग गई है, टिंडी नु बीमारी लग गई है, तो ओदे वास्ते तुसा की इलाज किया, सारी सानू डिटेल दसो दोस्तों नु। आरएस भाई सारे तो पाले ते आई फ्रूट फ्लाई जी, और जिमें फ्रूट फ्लाई ने ढंगिया विच बुरर पैदा होया, बुरर लग गया जी हेठ पौधे तक। अच्छा, उन्हें तकरीबन पौधे नु खत्म काट छड़िया बोरर ने। अच्छा जी, मतलब उत्थों समझ लगी भी बोरर है नाल, असी सफेद दूसरा फ्रूट फ्लाई का सफेद मक्खी का बीमारियां वधियां गईयां, फंगस का मतलब उस तो बाद असी रूटीन नाल स्प्रे करने स्टार्ट कर दिते। स्प्रे तो फंगस का पहले भी करते हैं लेकिन उस तो बाद असी मतलब थोड़ा जहा होर मुहतात हो गए। ठीक है, आ तुसी वेंदे पे हो भी फ्रूट फ्लाई के फंदे भी लाए, सारा कुछ किया, लेकिन चलो वो तो कंट्रोल हो गया या हो जावे या जी जी, जेड़ा ना भाई ज्यादा गर्मी जी जी, गर्मी की वजह तो जेड़ी पई ना वायरस। हाँ जी, वायरस ने भाई प्रॉपर वायरस पई है और सारे एक साडा ही नहीं। हाँ जी, बेशतर जितने भी लोगों ने आड़ गवाड़ सज्जे खब्बे किसी होर जिले के खबर आंदियां पईयां भी बंदियां दे मरबियां दे मरबे तबाह होए ने जी, टिंडी दे जी। और हुण तुहानूं जिवें अग्गे दस्सिया भी हुण दूजा नंबर मटर दा लगदा पिआ है, अल्लाह ताला बचावे जी, अल्लाह ताला बचावे जिन्हें वक्त कीते ने। हां जी, अल्लाह ताला उहनां दी मेहनत नूं रंग ला। अच्छा खालिद भाई, अपनी कितनी टिंडी टोटल है जिंदा अपना नुकसान होया है, ते जितना पैसा अपना बर्बाद होया, जितना नुकसान होया है पैसे दी शक्ल च, ओह भी दोस्तां नाल लाज़मी शेयर करो तुसीं। आरत भाई
ਟਿੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ 3 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈ ਆਈ ਜੀ ਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ 3 ਏਕੜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋ ਕਰੋ 5 ਤੋਂ 6 ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 6 ਕਿ 7 ਸਪਰੇ ਹੋਏ 7-8 ਉਹ ਸਪਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਨ ਆਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3-4 ਸਪਰੇਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਪਰੇ ਸੀ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨਾਡੈਮ ਪਲੱਸ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰ ਫਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਪਰੇ ਸਾਡਾ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਖਰਚਾ ਬੀਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਬਾਈ 56 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਦਾ ਪਰ ਏਕੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਚੇਜ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਮ ਅਜ ਕਮ 4.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਗੱਢ ਲਓ ਸਹਿ ਜਾਓ ਰੁਪਈਏ ਆਪੇ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਆਰਐਸ ਭਾਈ ਆ ਹੁਣੀ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਗਰੂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਵੱਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਹ ਲੁੜ ਗਏ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹਾਈ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਕਣਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਦੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਰਹਿਓ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਐਸ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਲਾਮਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਔਰ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਫਰਤ ਕੋਨੇ ਵਰਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਨਹੀਂ 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 ਆਰਐਸ ਭਾਈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੋ ਇਹ ਥੀ ਹਮਾਰੀ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਮੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਟਿੰਡੀ ਕੀ ਫਸਲ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਆ ਹੈ ਹਮਨੇ ਇਸਕਾ ਕੈਸੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਇਸਕਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਾ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਫਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰੇਂਗੇ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰੇਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਾਏਂਗੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹਮੇ ਹਮਾਰੀ ਫਸਲ ਮੇਂ ਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਗਾ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਮੇਂ ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼